दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड बस एक गलती और फ्री में राशन मिलना हो जाएगा बंद। आज ही कर ले ये काम। जी हाँ दोस्तों, आज ही ये काम कर ले। अगर आपके राशन कार्ड में एक गलती है तो आपका फ्री में राशन लेना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सी गलती है जिसे आपको करना है, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड साल 2020 में कोरोना महामारी के तेजी से फैलने और लॉकडाउन में गरीबों को देखते हुए सरकार की तरफ से फ्री राशन की सुविधा शुरू की गई थी। सरकार की ये सुविधा आज तक जारी है। इस दौरान लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और लोगों बेरोजगार हो गए। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की ओर से ये योजना सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि 30 जून तक कराए आधार कार्ड लिंक राशन कार्ड से। दोस्तों अब सरकार ने सरकारी राशन की सुविधा लेने वालों को राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने का नियम बनाया है। पहले इसके लिए 31 मार्च यानी 2022 की अंतिम तिथि थी, लेकिन पिछले दिनों इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यदि आपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द लिंक करा ले। इन दोनों को लिंक नहीं कराने पर आपको फ्री राशन की सुविधा मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों सरकार लागू करेगी ये योजना, यानी लाखों परिवार किसी कारणवश आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक नहीं करा पाए हैं। अगर आपने भी दोनों चीजें लिंक नहीं कराई हैं तो जल्द प्रोसेस पूरा कर लीजिए। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लिंक करा सकते हैं। दरअसल सरकार वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के लिए इसे लागू करना जरूरी कर रही है। दोस्तों बंद हो जाएगा फ्री राशन मिलना। वन नेशनल योजना के तहत आप किसी भी राज्य के किसी भी जिले में राशन लेने के लिए आकृत हैं। आने वाले समय में पूरे सिस्टम और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर आने वाले समय में दिक्कत होने की संभावना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आधार और राशन कार्ड को एक दूसरे से लिंक कैसे करें। दोस्तों आपको एक दूसरे से लिंक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे प्रोसेस आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और राशन कार्ड धारक की पासपोर्ट यानी पासपोर्ट साइज फोटो राशन कार्ड केंद्र पर जमा कराना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड केंद्र पर आधार कार्ड यानी आपका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन भी हो जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा ले, नहीं तो आपको फ्री वाला राशन नहीं मिलेगा। ये योगी सरकार ने ऐलान किया है। तो दोस्तों जल्द से जल्द यानी 30 जून तक अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा ले, नहीं तो आपको फ्री वाला राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।